कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। कंप्यूटर का जो उपयोग है ऑलमोस्ट कई जगह पे हो रहा है, सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग होता है इन आवर डे टू डे लाइफ, और दिनों दिन हमारे जीवन में भी इसका उपयोग बढ़ गया है। सम एरियाज वेयर दे आर वाइडली यूज्ड आर लिस्टेड बिलो। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर मोटे तौर पर इसका उपयोग होता है। कुछ एरियाज में तो होता है जैसे कि अपना होम पे, स्कूल में, बैंक में, यहाँ पर क्या होता है कंप्यूटर का उपयोग होता है। फर्स्ट है एट होम, घर पर हमारा कंप्यूटर का उपयोग। ए कंप्यूटर इज यूज्ड एट होम टू प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक, वॉच मूवी, राइट लेटर्स, स्टोर एड्रेस एंड फोन नंबर्स। कंप्यूटर का यूज हम घर पर किस लिए करते, एक तो गेम खेलने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए, लेटर्स लिखने के लिए, एड्रेस नोट करने के लिए और फोन नंबर नोट करने के लिए। ओके, ड्रॉ एंड पेंट एक्सेट्रा, और हम ड्रॉ और पेंट भी कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ओके, वी कैन बुक ई टिकट एंड परचेज प्रोडक्ट ऑनलाइन। कंप्यूटर के द्वारा हम ऑनलाइन जो है इलेक्ट्रॉनिक टिकट, ऑनलाइन टिकट बुक करा सकते हैं और जो है ऑनलाइन जो प्रोडक्ट है उसको हम खरीद भी सकते हैं। ओके, जैसे कि सम एग्जांपल, आप लोग अभी फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो सेल लगती है उसमें ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है तो आप लोग करते हो, मीन्स आपकी मम्मी करती होगी, कुछ सामान बाहर से मंगाती, तो ऑनलाइन तो वो सारा कंप्यूटर के द्वारा होता है। ठीक है, इन स्कूल टीचर्स यूज कंप्यूटर टू टीच डिफरेंट। टीचर जो है कंप्यूटर का यूज जो है अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने में करती है। ठीक है, दे अगेन रिपीट दिस लाइन, टीचर्स यूज कंप्यूटर टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट। दे यूज देम फॉर प्रिपेयरिंग लेसन, रिपोर्ट कार्ड्स एंड टाइम टेबल। इनका यूज वे लेसन तैयार करने में, रिपोर्ट कार्ड कलेक्ट करने में और टाइम टेबल बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का स्कूल में क्या क्या यूज होता है। ठीक है, टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने में इसका यूज कर सकती है ना। जैसे सम एग्जांपल में आप देख सकते हो, जैसे कि अभी आप ऑनलाइन जो पढ़ाई कर रहे हो, आपकी जो वीडियो द्वारा जो पढ़ाई हो रही है तो वो किससे हो रहा है, वो सारा कंप्यूटर्स के द्वारा हो रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स यूज कंप्यूटर फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट, लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट एंड प्लेइंग एजुकेशनल सीडी रोम्स। स्टूडेंट जो है कंप्यूटर का यूज किस तरह से कर सकते हैं, अपना कोई जैसे प्रोजेक्ट मिलता है, जैसे आप लोगों को प्रैक्टिकल करने के लिए देते हैं कि आप बच्चों आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो कोई इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है तो आप कहाँ से करोगे, कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, और अलग अलग सब्जेक्ट में जो आपका एजुकेशन से जो भी रिलेटेड है वो सारी स्टडी किससे करोगे, कंप्यूटर से करोगे। ऑनलाइन एजुकेशन इज डन प्राइमरली थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। ऑनलाइन जो शिक्षा होती है वो मुख्यतः कंप्यूटर और नेट के द्वारा ही होती है। कंप्यूटर में अगर नेट होगा तो ही आप पढ़ाई कर पाओगे ऑनलाइन, किसी भी एरिया में आप बैठे हो तो अगर नेट अगर आपका होगा तो आप स्टडी कर पाओगे। ओके, फॉर मेडिकल पर्पस। अब मेडिकल पर्पस के उद्देश्य से भी, पर्पस मतलब उद्देश्य, तो मेडिकल पर्पस से भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर आर वाइडली यूज्ड इन मेडिकल फील्ड। कंप्यूटर का जो यूज है वो मेडिकल फील्ड में मोटे तौर पे होता है। कैसे, दे हैव बिकम एसेंशियल टूल। जब भी कोई नया टूल आता है इन मैनी डिफरेंट फंक्शन इन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और लैब, और उस टूल्स जो भी आते हैं उनका जो अलग अलग जो परफॉर्मेंस होता है, जो उनका कार्य होता है, वो हॉस्पिटल के अंदर, नर्सिंग के अंदर और लैब्स में लगाए जाते हैं। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी जैसे इंस्ट्रूमेंट आया है, टूल्स आया है, तो वो पहले इसकी स्टडी करेंगे और उसके द्वारा फिर इसका यूज करेंगे। कंप्यूटर आर यूज्ड टू मेंटेन मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड ट्रीटमेंट डिटेल टू पेशेंट। कंप्यूटर का जो उपयोग है वो मेडिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें किया जाता है एंड ट्रीटमेंट डिटेल टू पेशेंट, और किसी पेशेंट की जो बीमारी है उसकी डिटेल्स हमको कंप्यूटर द्वारा मिल जाती है। मतलब उसके इलाज के बारे में हमको और क्या क्या करना है उसकी डिटेल हमें कंप्यूटर के द्वारा मिल जाती है। फिल्म्स एंड टेलीविजन।
फिल्म्स और टेलीविजन, ये आपको बताया था कि ये भी अपन कंप्यूटर में कार्टून, मूवीज, एनिमल सॉन्ग वगैरह सब अपन सुन सकते हैं। कंप्यूटर आर कॉमनली यूज इन द फील्ड ऑफ एंटरटेनमेंट वेदर इट इज फिल्म, टेलीविजन और एनी अदर मल्टीमीडिया प्रोग्राम। कंप्यूटर का सामान्यतः जो उपयोग है वो एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन में किया जाता है, और वो मनोरंजन हम किससे करते हैं, फिल्म से करते हैं, टेलीविजन द्वारा करते हैं और अन्य अदर जो मल्टीपल जो प्रोग्राम्स है उनके द्वारा हम करते हैं एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन। कंप्यूटर हेल्प टू क्रिएट करेक्टर एंड सीन्स ऑफ फ्लड, फायर एंड स्टॉर्म। कंप्यूटर हमें कि जहाँ पे क्रिएट हो रही है, जो जहाँ पे बाढ़ आ रही है या कहीं पे आग लग गई है, कहीं तूफान वगैरह आ रहे हैं, किसी के बारे में जानकारी तो हमें कंप्यूटर द्वारा मिल जाती है। साउंड, मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन आर गिवन टू कार्टून करेक्टर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। और कंप्यूटर के द्वारा जो हम मूवीज देखते हैं, कार्टून देखते हैं, तो उसमें हमको साउंड जो उसका सुनाई देता है, उसके जो एक्सप्रेशन है वो क्लियरली हमको दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन बैंकिंग, बैंकों के अंदर भी कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर आर यूज इन बैंक टू। कंप्यूटर का उपयोग बैंकों के अंदर कैसे, ऑपरेट एटीएम एंड प्रोवाइड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी। ठीक है, कंप्यूटर क्या कराता है, एटीएम उपलब्ध कराता है, वो भी इंटरनेट के द्वारा। इंटरनेट फैसिलिटी होगी तभी बैंक में जो आगे से आगे जो वर्क होता है वो कंप्लीट होगा। कीप रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट होल्डर्स इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ मनी डिपॉजिट और विथड्रॉ फ्रॉम एनी अकाउंट। कंप्यूटर जो है जितने भी जो कस्टमर है उनका वो अकाउंट का रिकॉर्ड रखता है और उनकी डिटेल्स रखता है। अब किस कस्टमर ने कितने जो मनी डिपॉजिट करवाई है और विथड्रॉ किए हैं वो सारा आपको शो करेगा, उसका सारा रिकॉर्ड वो रखेगा। ओके, नेक्स्ट, परफॉर्म ऑनलाइन इंक्वायरी और सॉरी इंक्वायरी ऑफ अ कस्टमर्स अकाउंट बैलेंस। और जो है कस्टमर जो है ऑनलाइन द्वारा अपने अकाउंट के बैलेंस की इंक्वायरी भी वो कर सकता है कभी भी और किसी भी समय। ओके, नेक्स्ट, अपडेट द अकाउंट बैलेंस एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब जो है कंप्यूटर जो है अकाउंट के अंदर जो है सभी लोगों के जो पैसे जमा होते हैं उनका एक बैलेंस बनाए रखता है और उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट जिसका जितना बन रहा है उसका कैलकुलेट भी वो रखता है। वेरीफाई द चेक ऑफ कस्टमर, और कस्टमर जो भी चेक लेके आते हैं तो उसकी वेरीफाई कंप्यूटर द्वारा ही होती है। नेक्स्ट, इन ऑफिस, ऑफिस के अंदर कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑफिस टू क्रिएट एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑफिस डॉक्यूमेंट, मेंटेन एम्प्लॉइज पर्सनल एंड सैलरी रिकॉर्ड्स, टाइप एंड प्रिंट ऑफिस डॉक्यूमेंट, कम्युनिकेट इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थ्रू ई मेल्स। ओके, अगेन रिपीट दिस लाइन, कंप्यूटर आर यूज इन ऑफिस टू क्रिएट एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑफिस डॉक्यूमेंट। ऑफिस के अंदर कंप्यूटर का जो उपयोग जो है वो डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड करने में लिया जाता है। ठीक है, और मेंटेन एम्प्लॉयज पर्सनल एंड सैलरी रिकॉर्ड, और जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका भी वो पर्सनल रिकॉर्ड रखता है और सैलरी जो है वो उस कंप्यूटर के अंदर मेंटेन रहती है। टाइप एंड प्रिंट ऑफिस डॉक्यूमेंट, और उस कंप्यूटर के द्वारा जो ऑफिस की जो डॉक्यूमेंट की जो प्रिंट आउट होती है उसके द्वारा ईमेल हम भेज भी सकते हैं और ले भी सकते हैं।